हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट, जो कि बिगनर्स फ्रेंड के लिए मेरे बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट। विदाउट एनी केयर इस प्लांट को बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट है ये कैना लिली का प्लांट, बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला ये प्लांट। जो फ्रेंड्स हमारे बिगनर्स हैं, नए नए गार्डन शुरू कर रहे हैं, नए नए पौधे लगाना शुरू कर रहे हैं और ज़्यादा बहुत जानकारी नहीं रखते हैं, तो मैं कहूँगी उन्हें कि वो कोशिश करें कि ज़्यादा डेलिकेटेड प्लांट ना लगाएं। ऐसे प्लांट चूज़ करें जिसे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ग्रो हो सकता है वो प्लांट और ज़्यादा कोई मेहनत या मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, इसमें ये कैना लिली का जो प्लांट होता है ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। पूरे साल इसमें फ्लावर आते रहते हैं। विंटर सीजन में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, बहुत कम रूप में होती है। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, तो इस प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आने लगती है। तो बहुत ही सुंदर प्लांट फ्लावर आते हैं इसमें। आप देख रहे हैं फ्लावर कितने खूबसूरत लगते हैं इसके। तो मेरे पास दो तरह के कैना लिली के प्लांट हैं। वैसे फ्रेंड्स, कैना लिली के काफ़ी सारे वेराइटीज़ आते हैं जिसमें फ्लावर के कलर पैटर्न अलग अलग होते हैं। तो मेरे पास जो है एक ये येल्लो कलर का है जो आप देख रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत एक ब्राइट और वाइब्रेंट सा कलर मेरे गार्डन में ऐड होता है इस प्लांट से। फ्रेंड्स, एक और कैना लिली का जो प्लांट मेरे पास है वो है ये मरून कलर का कैना लिली का फ्लावर्स। ये फ्लावर्स एक अलग ही पैटर्न का मेरे पास है। इस तरह से गुच्छों में इसमें फ्लावर्स आते हैं, एक दो करके खिलते रहते हैं और कई दिन तक इसमें फ्लावर्स खिलते रहते हैं। तो मेरे पास जो ये कैना लिली का प्लांट है जो कि मरून कलर का है, तो ये हाइब्रिड है। ये छोटे हाइट में रहने वाला प्लांट है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स, जस्ट इतनी सी ही इसकी हाइट है और काफ़ी अच्छी इसमें भी फ्लावरिंग होती है। और ये वाले जो फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स कैना लिली के, ये देसी फ्लावर्स कहलाते हैं और ये आपको बहुत ही आसानी से हर जगह देखने को भी मिल जाता है। ज़्यादातर आप पॉन्ड वगैरह के साइड में इस तरह के कैना लिली के फ्लावर्स आपको प्लांट दिखेंगे, जहाँ इस तरह से फ्लावर्स खिल रहे होंगे हर जगह आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा। उसी से हमें समझ में आता है कि ये प्लांट किस हद तक हार्डी प्लांट है। बल्बस प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, नीचे मिट्टी में इसके बल्ब बनते हैं और ढेर सारे प्लांट मिट्टी से ही नए नए ग्रो करते हैं, जिसे हम बेबी प्लांट कहते हैं। तो धीरे धीरे इसमें प्लांट नए नए निकलते रहते हैं और ढेर सारे प्लांट हमारे तैयार हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्लांट में ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे ही इसमें फ्लावर्स खिल गए, यानी देखिए जैसे ये अभी खिल रहे हैं और भी इसमें बर्ड्स बने हुए हैं, ये भी खिलेंगे और जैसे कंप्लीट ये ख़त्म हो जाता है तो कुछ इस तरह से कंप्लीट ड्राई हो जाता है। तो इसके बाद इस प्लांट का जो ये स्टेम है, इसे आप एकदम नीचे से जस्ट मिट्टी के ऊपर हाफ इंच छोड़ के आप इसे कट करके हटा दें, क्योंकि इसमें आप फ्रेंड्स दोबारा फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आपके पॉट की जो मिट्टी की जो एनर्जी है ये प्लांट यूं ही लेते रहेगा और फ्लावरिंग होगी नहीं। इसीलिए बाकी प्लांट को जिसमें फ्लावरिंग होगी उसको पूरी एनर्जी मिले, उसके लिए इस प्लांट को, इस स्टेम को हमें नीचे से कट करके हटा देना है। इस प्लांट के साथ हमें यही ध्यान रखते रहना पड़ता है कि जिसमें फ्लावरिंग हो चुकी है उस स्टेम को हमें हटा देना है। तो विल्ड्रेन सॉइल में आप इस प्लांट को ग्रो करिए। पानी, मिट्टी में पानी ठहरे नहीं, या बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी में आप इसे ग्रो मत करिए, क्योंकि बल्बस प्लांट है, अगर सख्त मिट्टी होती है तो नीचे से नए नए पौधे ग्रो नहीं करेंगे। तो ढेर सारे पौधे नीचे से मिट्टी से निकले, यानी बेबी प्लांट निकले, उसके लिए सॉफ्ट मिट्टी बहुत ज़रूरी है और मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें। इस प्लांट को मॉइस्ट मिट्टी बहुत पसंद है। मॉइस्ट मिट्टी रखेंगे तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है और काफ़ी वाइब्रेंट सा कलर और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के इसमें फ्लावर आते हैं और स्टेबल भी रहते हैं। तो
फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस प्लांट को फ्रेंड्स खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसमें ड्राई फर्टिलाइज़र साल में दो बार ऐड करती हूँ और बाकी मैं जैसे अपने सारे प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ 15 से 20 दिन में, वैसे ही मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ और उसी से मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बहुत ही हार्डी स्ट्रॉन्ग प्लांट है और गर्मी में सर्वाइव करने वाला प्लांट है। बहुत ज़्यादा तीखी धूप जो पड़ती है उसमें हम जैसे अपने प्लांट को सर्वाइव नहीं करा पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है हम, तो ऐसी स्थिति में ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट होता है, बहुत इजीली सर्वाइव करता है और कोई केयर नहीं करनी पड़ती है और पेस्ट अटैक बिल्कुल भी इस प्लांट में नहीं होता है। फ्रेंड्स, पानी का हमें ध्यान रखना पड़ता है, कीचड़ जैसी मिट्टी ना रखें, मिट्टी को मॉइस्ट रखें और प्लांट को बहुत इजीली ग्रो करें। इसके बहुत तरह के कलर आते हैं, आपको जो कलर पसंद आए उस तरह के कलर का आप लगा सकते हैं और कहीं से भी आप एक प्लांट लाइए, उसे लगाइए और धीरे धीरे आपके पास ढेरों प्लांट बन के तैयार हो जाता है। जैसे गर्मी और बरसात ख़त्म होने के बाद विंटर सीज़न आने लगता है फ्रेंड्स, तो अगर आप देखें कि इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप मिट्टी के जस्ट ऊपर से 1 इंच तक स्टेम छोड़ के बाकी सारा कट कर दीजिए। फिर जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा देखेंगे आप नीचे से नए नए प्लांट निकल आएंगे और धीरे धीरे ग्रोथ लेंगे और इन फ्यूचर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये प्लांट ऊपर से ख़त्म हो जाता है लेकिन मिट्टी में इसकी ग्रोथ चलती रहती है और सीज़न आने पे ये अपनी ग्रोथ वापस से ले लेता है। अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं तो एक लिमिटेड दायरे तक ही ये प्लांट रहता है, लेकिन अगर आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ लेता है और बहुत ही जल्दी अपनी ग्रोथ को चारों तरफ दूर दूर तक फैला भी लेता है। तो बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट होता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है और मैं अपने बिगनर्स फ्रेंड को भी सजेस्ट करूंगी कि वो भी ये प्लांट लगाएं जो कि बहुत हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। मिनिमम केयर जो हमें नॉर्मल प्लांट में करनी चाहिए करनी होती है बस उतनी ही इसमें करनी पड़ेगी और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी हो जाएगा और अच्छी खासी हमें फ्लावरिंग भी मिलेगी। और गर्मियों के सीज़न में जब गार्डन में फ्लावर बहुत कम हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये प्लांट हमारे गार्डन में एक वाइब्रेंट सा लुक देता है, इसके लंबे लंबे पत्तियां बहुत खूबसूरत सा लुक देती है, तो इस तरह से गार्डन हमारा हरा भरा भी रहता है और फूलों से भी भरा हुआ रहता है। तो इस प्लांट को फ्रेंड्स आप ज़रूर ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।